हेलो फ्रेंड्स कैसे है आप सभी आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ बहुत ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी सी रेसिपी सब कुछ बताऊंगी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए चलिए वो सब देख लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे जैसे तेल गरम हो जाएगा उसमें आधी चम्मच जीरा और साथ में ही इसमें आधी चम्मच हम खड़ी वाली धनिया डालेंगे इससे जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और आपकी नाश्ते में से ना बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है आधा चम्मच राई और साथ में ही एक चम्मच उसमें हम कुटा हुआ लहसुन डालेंगे आधी प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई हम ऐड करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर भुनने देंगे साथ में यहाँ पर तीखे के लिए आप मिर्च इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है लगभग आधी चम्मच आप जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च एक या दो अपने हिसाब से काट करके यहाँ डाल दीजिए और अच्छे से इन सभी चीज़ों को भून लीजिए अब इन चीज़ों को जैसे ही हल्की सी भुन जाएंगी तो हम यहाँ पर लगभग छोटे साइज के चार से पाँच आलू इस्तेमाल कर रहे हैं उबले हुए आलू हैं इन्हें उबाल करके पहले से मैंने रखा हुआ था तो मैं उसी से यहाँ पर बना रही हूँ अब मसालों मैंने में मैंने इसमें यूज़ किया हुआ आधा चम्मच गर्म मसाला और साथ में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे और यहाँ पर आप चाहे तो मैंने ऐसे उबले हुए आलू को डायरेक्ट डाल दिया आप चाहे तो आलू को मैश करके या कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं मैंने बस इस तरह से डाल दिया हुआ मुझे इसी तरह से ही अच्छे लगते हैं हल्का सा कट करेंगे उसके बाद एक मैशर ले, ले लेंगे और उसकी हेल्प से अच्छे से सभी चीज़ों को मैश कर लेंगे जिससे कि मसाले अच्छे से भून जाएंगे और ये भी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी हाँ ध्यान दीजिएगा गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा वरना ये सारी चीज़ें मसाले जो तड़के हैं ना वो जल जाएंगे मिक्स करने के बाद हम इसे एक प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे और लीजिए फर्स्ट क्लास की मैं स्टफिंग बनकर के तैयार हो गई थोड़ा सा इसमें प्लेट में फैला देते हैं और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए हम यहाँ पर साइड पर आज का हम नाश्ता बनाने वाले हैं ब्रेड से तो इसके लिए आप अपने हिसाब से जितना भी आपको नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा एक पैकेट ब्रेड का इस्तेमाल किया हुआ है सबसे पहले इस तरह से कोई भी छोटी सी आ, क्या करेंगे ढक्कन ले लेंगे या फिर कटोरी आप किसी कटोरी वगैरह से छोटे से सांचे से भी या फिर कटर हो आपके पास तो उससे यहाँ पर ब्रेड को बीच से कट करके निकाल सकते हैं इस वाले हिस्से को फेंकिए मत इससे हम आगे ब्रेड क्रम बनाएंगे इसका भी हम अपने नाश्ते में इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बाद से एक छोटे साइज का कटर ले लेंगे और उससे इस तरह से कट करते हुए हम यहाँ पर बीच में होल कर लेंगे इस तरह से ये काफ़ी क्यूट क्यूट से सेप बन करके तैयार हो जाएंगे सेम प्रोसेस के साथ हम बाकी सभी के ब्रेड को इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ पर बता दूँ मैं कि ब्रेड फेंकीेगा मत हम उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे ठीक है ना तो सभी को यहाँ पर मैंने ब्रेड्स को कट कर लिया हुआ है सेम तरीके से इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो भी ब्रेड का बचा हुआ हिस्सा है उसे तोड़ करके छोटे चुट छोटे पीसेस में हम यहाँ पर ब्रेड को मिक्सर जार में डाल देंगे और यहाँ पर सभी पीसेस को मैंने तोड़ दिया हुआ है अब डाल करके मैं इसे अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड कर लूँगी यानी कि पीस लूँगी और इस तरह से बिल्कुल इसका पाउडर बना लेंगे और इस तरह से हमारा ब्रेड कम बनकर के तैयार हो जाएगा अब हमें क्या करना है सारे नाश्ते को कट करने के बाद आलू की स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है यहाँ पर आलू की स्टफिंग लेंगे और हल्का सा हाथों से दबाते हुए इसे पतला कर लेंगे देख रहे हो आप लोग इस तरह से उसके बाद से इसके साइड्स पर इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ उस तरह से आलू की स्टफिंग को अच्छे से बिल्कुल हमें यहाँ पर लगा करके चारों तरफ से अच्छे से इस पर आलू की स्टफिंग को हमें फैला देना है तो आप अपने हिसाब से साइजेस को छोटा या बड़ा बना सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटे वाले साइजेस जो होती हैं ब्रेड की उसी वाले ब्रेड से बनाया हुआ है अगर आप चाहें तो इसे बड़े वाले साइज़ ब्रेड आता है उससे भी बना सकते हैं ठीक है ना और यहाँ पर मैं इसे साइड साइड में इस तरह से अच्छे से आलू की पूरी फिलिंग अच्छे से लगा दे रही हूँ अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपने जो आलू की फिलिंग बनाई हुई आप अपने वहाँ मनपसंद के मसाले भी उसमें ऐड कर सकते हैं और साथ में दूसरे वाले ब्रेड को ऊपर से रख करके अच्छे से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि दोनों के दोनों अच्छे से आपस में लॉक हो जाएंगे स्टफिंग की हेल्प से ठीक है ना अच्छे से वो स्टफिंग की मदद मतलब से ब्रेड आपस में चिपक जाएंगे और सेम प्रोसेस के साथ हमारे पास जितना भी नाशा है उन सभी को मैंने बना करके के यहाँ पर रेडी कर लिया हुआ है साथ में लास्ट वाला मैं एक और आप लोग को बना करके दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगी ठीक है ना आलू की स्टफिंग लेंगे उसे अच्छे से फैला दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा स्टफिंग रखते हुए हम इस पर अच्छे से पूरे चारों तरफ इसके आलू की स्टफिंग को लगा देंगे इस तरह से हमारी आलू की स्टफिंग लग जाएगी फिर दूसरे वाले ब्रेड को रख करके हल्का सा दबा दीजिए दोनों अच्छे से आपस में लॉक हो जाएंगे अब इसे अच्छे से लॉक करने के बाद इस तरह से देख सकते हो आप लोग अच्छे से बिल्कुल ये पैक हो गया है आलू की फर्स्ट क्लास की इसमें स्टफिंग है आसान है और बहुत ही ईजी तरीके से सारा नाश्ता हमने बना करके के यहाँ पर रेडी कर लिया हुआ अब हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे एकदम पतला सा हमें इसका घोल बना करके तैयार करना है देख सकते हो आप लोग बिल्कुल पतला सा हमने घोल बना करके रेडी कर लिया हुआ है अब साथ में ये दोनों चीज़ों को एक पास रख लेते हैं घोल भी और ब्रेड क्रम भी अब हम अपना एक ब्रेड का नाश्ता उठाएंगे और इसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से घोल में डिप कर लेना है डिप करने के बाद निकाल के हल्का सा दबा दीजिएगा जो भी इस, इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और फिर ब्रेड क्रम में डाल करके अच्छे से बिल्कुल हमें इसे चारों तरफ से इसे कोट कर लेना है जिसकी वजह से हमारा नाश्ता बिल्कुल कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा हाँ यहाँ पर मैं एक बात याद दिला दूँ आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से मुझे अपना प्यार भरा से सपोर्ट दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस तरीके से फ्रेंड्स हम सभी नाश्तों को सेम प्रोसेस के साथ एक बार घोल में डिप करके हल्का सा दबा देंगे इससे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो निकल जाए और फिर इसे ब्रेड क्रम में डाल करके अच्छे से कोट करके सेम प्रोसेस के साथ हम अपने सभी नाश्तों को बना करके तैयार कर लेंगे और इस तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरा वाला भी अच्छे से ब्रेड से कोट कर लिया हुआ है ब्रेड से कोट करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा इसी तरीके से सभी को मैंने यहाँ पर कोट कर लिया हुआ है फिर हम कढ़ाई में तेल रख करके मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक एक नाश्ते को एक एक करके इसमें हम डालते जाएंगे सभी नाश्ते को एक साथ मत डाल दीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे एक एक करके आराम आराम से डालिएगा ये बहुत अच्छे तरीके से जब नीचे से हल्के कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाएंगे आराम से ये तली को छोड़ देंगे इन्हें बीच में चलाने की गलती मत कीजिएगा अगर आप इसे ज़बरदस्ती चलाएंगे तो ये टूट जाएगा ठीक है न जैसे आपने ढीला ढीला है तो आराम से बिल्कुल पलटी को डाल करके हिलाइए और वो धीरे से ही आराम से पलट दीजिए इन्हें तो ये दोनों तरफ से आराम से कुरकुरे और क्रिस्पी बिल्कुल बन जाएंगे और अच्छे से गोल्डन होने तक इन्हें दोनों तरफ से हमें पका लेना है जैसे ही ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएंगे आराम से इन्हें उलट पलट कर लीजिए अच्छे से ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं ब्रेड का नाश्ता है पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है आराम से दो से तीन मिनट के अंदर ये फटाफट से कुक हो जाएंगे निकाल करके इन्हें रख लीजिए सेम प्रोसेस के साथ हम सभी नाश्तों को इसी तरीके से बना करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब यहाँ पर आप चाहें तो डीप फ्राई कीजिए या सेलो फ्राई कर लीजिए इस तरीके से आपका नाश्ता बिल्कुल कुरकुरा चटपटा सा बन करके तैयार हो जाएगा आप इसे गर्मा गर्म चाय टमाटो सॉस या फिर अपनी हरी चटनी के साथ या फिर अपनी मनपसंद की चटनी के साथ सर्व कीजिए ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कितनी ज्यादा कुरकुरी है और क्रिस्पी है वो मैं आपको यहाँ पर आवाज इसकी एक बार सुना देती हूँ एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक बाय